हेलो व्यूअर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। जया बच्चन पिछले कुछ समय से अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। दो दिन पहले ही जया बच्चन ने सरकार के खिलाफ सदन में कड़ी टिप्पणी की थी। अब एक बार फिर से जया बच्चन अपने बयान को लेकर चर्चा में आ चुकी है। जया बच्चन पिछले कुछ समय से अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। दो दिन पहले ही जया बच्चन ने सरकार के खिलाफ सदन में कड़ी टिप्पणी करके एक बार फिर जया बच्चन ने अपने बयान को लेकर चर्चा कर ली है। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र अपने तय किए समय से पहले ही खत्म हो गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों 29 नवंबर को शुरू हुआ था और इसे 23 दिसंबर तक चलता था, लेकिन बुधवार को ही सभा को खत्म कर दिया गया, जिसके बाद से विपक्ष ने सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। बता दें कि समय से पहले ही सत्र का समापन होने पर समाजवादी पार्टी की नेता और अभिनेत्री जया बच्चन ने कहा कि वो इस बारे में अपनी आत्मकथा में जरूर लिखेगी। एक मीडिया चैनल से खास बातचीत में जया बच्चन ने ये भी बोला कि अगर जीवन में मैंने कभी भी अपनी जीवनी लिखी तो मैं उसमें पिछले 4 साल के संसद सत्र के बारे में निश्चित रूप से लिखूंगी। 70 साल के ऊपर हो गए, लेकिन इतने बुरे दिन तो कभी भी नहीं देखे। जया बच्चन ने ये भी बोला कि पता नहीं ये किस चीज़ का महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में कभी भी इस तरह से नहीं हुआ है। जया बच्चन ने संसद में सत्र के दौरान हुई गड़बड़ियों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि मैं आप मुझसे नहीं, यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी पूछ लीजिए। जया बच्चन ने कहा जो लोग कई सालों में यहाँ काम कर रहे हैं उनका भी यही कहना है कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। जया बच्चन ने बातचीत आगे बढ़ाते हुए संसद चलाने में मनमानी का आरोप लगाते हुए ये भी कह डाला कि उनके मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को भी सस्पेंड कर रहे हैं। दरअसल सपा सांसद के केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि 12 सांसद एक महीने में सदन से बाहर है और अपोजिशन के बिना ही सरकार ने सारे बिल पास कर दिए हैं। जया बच्चन एक बार फिर संसद में अपने गुस्से को लेकर चर्चा में आ चुकी है और राज्यसभा में अपने खिलाफ निजी टिप्पणी से आहत जया ने भाजपा के सांसदों को श्राप दे दिया कि जल्द ही उनके बुरे दिन आने वाले हैं। इस मामले को बेशक 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स इसे भूलने को तैयार नहीं है। बुधवार ही की सुबह में ट्विटर पर जया बच्चन टॉप ट्रेंडिंग में बनी रही। जया बच्चन के साथ यूजर्स अपना पक्ष रख रहे हैं और जया बच्चन के गुस्से को ऐश्वर्या के साथ ईडी के पूछताछ से जोड़ भी रहे हैं। लेकिन आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।